हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल सो आज का वीडियो फोकस्ड है एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन एल्फोबैट्स इन एक्टिविटी शीट्स को बनाने के लिए मैंने सिर्फ वाइट शीट्स ली है एक पेंसिल ली है एंड स्टिकर्स हमारे लिए काफ़ी यूजफुल रही हैं बिगनिंग साउंड सिखाने के लिए अल्फाबेट एसोसिएशन के लिए एसेट्रा इसमें कोई कॉस्ट नहीं है एंड आई होप ये बच्चों को इंगेज करने के लिए काम आए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो लेट्स बिगिन तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए एक शीट ली है और उसके ऊपर कुछ स्टिकर्स ऐड किए हैं ये स्टिकर्स वही हैं जो बच्चे पहचानते हैं तो इस एक्टिविटी का फोकस है हर वर्ड की बिगनिंग साउंड पहचानना और वो साउंड किस अल्फ़ाबेट की है उसको आइडेंटिफाई करना ना इसको एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है इनिशियली बट वो काफ़ी जल्दी ये सीख भी जाते हैं एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है बच्चों को फोनिक्स सिखाने के लिए ये एक्टिविटी मैंने अपने घर पे की है बच्चों के साथ और ये काफ़ी यूजफुल रही है लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट इज़ अल्फाबेट मैचिंग इसके लिए मैंने एक ब्लैंक शीट और पेंसिल ले ली है लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अपर केस लेटर्स लिख लिए हैं और राइट right साइड पे करस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर्स स्मॉल लेटर्स भी कह सकते हैं तो ओबसली इस एक्टिविटी के लिए बच्चे को लेटर आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए और बस मैचिंग करनी है लोअर केस टू अपर केस मैंने पेंसिल यूज़ की है सो so दैट मैं ये जो ब्लैंक शीट्स हैं इनको री कर सकूँ सो so, इस एक्टिविटी के लिए भी मैंने स्टिकर्स ही लिए हैं ये वही स्टिकर्स हैं जो बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन स्टिकर्स के सामने मैं दो अल्फ़ाबेट्स लिखूंगी दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स एक अल्फ़ाबेट एग्जैक्टली exactly वही होगा जिससे उस स्टिकर की बिगनिंग साउंड है तो बस बच्चे को वही पहचानना है और उसको सर्कल करना है ये स्टिकर्स एक्चुअली आसानी से निकल भी जाते हैं सो so मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे स्टिकर्स यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे सो दैट आई कैन री दिस शीट सो so, यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट अल्फाबेट्स लिख लिए हैं एक ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग साउंड है उस स्टिकर की और बच्चे को वही आइडेंटिफाई करना है बच्चों को अगर पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आता है तो ये सब एक्टिविटीज़ बहुत फन है उनके लिए तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे से करते हैं और इस शीट को भी मैंने प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कवर में डाल दिया है सो दैट आई कैन री यूज़ दिस शीट और इस प्लास्टिक कवर पे आसानी से मार्कर से लिखा जा सकता है या ड्रॉ किया जा सकता है और उसको रिमूव किया जा सकता है अब अगर बच्चे एक्चुअली लाइन्स एंड सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं तो ट्रेसिंग स्टार्ट कराना इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाबेट्स लिए हैं जिसमें कि सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक शीट पे दो या तीन अल्फाबेट्स लिख सकते हैं अगर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो दो अल्फ़ाबैट्स ही लिख सकते हैं यहाँ पे मैं तीन अल्फाबेट्स लिख रही हूँ जिसमें कि जैसे मैंने पहले कहा ओनली हॉर्जॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स हैं तो यहाँ पे मैंने ई एफ एन एल ड्रॉ किए हैं सो दैट बच्चे आसानी से कर पाए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी तक बच्चे लेटर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको सर्कल कर रहे हैं ट्रेस कर रहे हैं लेकिन एज लॉन्ग एज़ उनको आइडेंटिफिकेशन आता है बिगनिंग साउंड पहचानना आता है तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है उनको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने के लिए नाउ इन आर केस हमारे घर में बच्चों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में फ़ोर फाइव डेज लग गए बट इट्स ओके क्योंकि अल्फाबेट्स कनेक्ट करना उनकी साउंड क्या है उनको ज्वाइन करके रीड कैसे करना है ये सब उनके लिए ईजी नहीं है तो उनको इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा सो so, यहाँ पे जो मेरे पास ब्लैंक शीट है उसको मैंने रफली सिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और उसके ऊपर टू लेटर वर्ड्स लिखे हैं ओनली टू लेटर वर्ड्स क्योंकि पहले ये स्टार्ट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो भी बिगनिंग साउंड बच्चे पहचानते हों या जिसमें उनका इंटरेस्ट हो जैसे कि ए बी डी जी इन सब से टू लेटर वर्ड्स आराम से बनाए जा सकते हैं मैंने सिंपल टू लेटर वर्ड्स लिख लिए हैं और ये अपर केस में हैं जो कि बच्चे इज़िली पहचानते हैं और इसके बैक में मैंने लोअर केस लेटर्स में भी सेम वर्ड लिख लिया है एक बार उनको रीड करना आ जाएगा तो दोनों ही फॉर्म में उनको मैं ये रीड करा सकती हूँ और अगर वुडन या मैग्नेटिक लेटर्स हैं तो वो उसको पिक करके इन वर्ड्स के ऊपर रख भी सकते हैं सो दैट वो थोड़ा और फेमिलियर हो। यहाँ पे मैंने कुछ टू लेटर वर्ड्स लिख लिए हैं जिनको कि मैं उनको रोज़ रिपीट करती हूँ प्रैक्टिस कराने के लिए जैसे कि मी गो एंड बी सो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे इनिशली इंटरेस्टेड ना हों तो दो या तीन वर्ड्स uh, ही एक्चुअली एक दिन में स्टार्ट करें जैसे कि गो मी इफ एंड दैट सॉल्व उसके बाद, बाद में बढ़ाते जाए सो so, आपने देखा होगा कि एक्टिविटी वन टू फाइव तक आने में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है बट दैट्स वॉट वी टारगेट और बच्चे बहुत ईजिली अडेप्ट कर भी लेते हैं विद टाइम सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय